हेलो दोस्तों, आज है 14 तारीख और आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है। और आज मैं टिफ़िन में बना रही हूँ फर्सी की सब्जी और पराठे, और उसमें नारियल खीस के डालूँगी। बच्चों को वही अच्छी लगती है, तो अच्छा हम लोग को भी लगती है, खा लेते हैं। मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों लोग को बहुत पसंद है ये, तो ये बना रही हूँ। फटाफट बना लेती हूँ कि आज बहुत काम है। बाद में संडे से नवरात्रे चालू हो रहे हैं, तो मेरे को मार्केट भी जाना है, इसलिए मैं भाई ये सब्जी वगैरह बना ली हूँ। और उसके डैडी नहीं है क्योंकि वो दिल्ली गए हैं, तो हम लोग का खाना भी ज़्यादा नहीं, अभी बना लेंगे बस हो जाएगा। मैं नवरात्रे तो नहीं करती हूँ, पहले करती थी, लेकिन कोई मुझे प्रॉब्लम होती है तो मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, इसलिए मैं नहीं करती हूँ नवरात्रे। पर मैं हमेशा कन्याओं को भोज कराती हूँ हर साल, तो मैं उनके लिए कुछ देने के लिए प्रॉफिट मार्केट जाऊँगी, क्योंकि उधर अच्छे और अपने बजट में मिल जाते हैं, अच्छे सी चीज़ें मिलती है, वैरायटी रहती है देने के लिए। बच्चों बहुत खुश होते हैं लेके, मैं उनके लिए हर साल लाती हूँ और उनको घर पे बिठा के खाना खिलाती हूँ, फिर उनको देती हूँ। सब्जी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ढक दिया अभी 5 मिनट फिर पक जाएगी। और मैंने खोपरा खींच लिया है, अभी उसमें डाल दूँगी। यहाँ मैंने टिफ़िन पैक कर दिया और बच्चे गए ऑफिस, अभी हम लग जाते हैं अपने काम पर। ये देखो मैं नहा ली थी, नहा के पीछे गई गार्डन में, हमारे इधर 2-4 झाड़ लगाए हैं, तो ये फूल आया था, ये गणपति पापा को चढ़ाते हैं ये फूल, अच्छा लगता है। हफ्ते में 2-3 फूल आ जाते हैं, तो मैं ऐसे ही चढ़ा देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरा वही ड्रेस है जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था ना, मैंने पहना, अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अलग ही कलर है और सूट कर रहा है मेरे ऊपर। तो आज मार्केट जाना है, तो चलो यही पहन के चलते, कुछ नवरात्रे का सामान लाना है तो अच्छा लगेगा। बाय बाय, अभी चलते हैं मार्केट। हाँ, हम लोग ना प्रॉफिट मार्केट नहीं गए, मेरे को ज्वेलरी में कुछ देखना था इस बार बच्चों को देने के लिए, तो मैं इस ज्वेलरी मार्केट में आई, भुलेश्वर में है, बहुत बड़ा मार्केट है। ये लोग वीडियो नहीं बनाने को देते, लेकिन मैंने ऐसे ही जाते जाते एक दो दुकानों की ले ली थी, और मैंने इधर से ही थोड़ा सामान लिया बच्चों को देने के लिए, अच्छा लगा। होलसेल में सब मिलता है, अच्छा लगता है। फोटो नहीं निकाल रही हूँ। और यहाँ मैं पीछे गली है, पता नहीं कौन सा उसको तीसरा भोईवाड़ा कौन सा बोलते हैं, मेरे को इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन इसका एड्रेस है मेरे पास, आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। इस दुकान में बर्तन एक से एक मिलते हैं, होलसेल में ही मिलते हैं, लेकिन एक ना एक से एक वैरायटी मिलती है। मैं इधर से ही लाई, 2-3 बार लाई, इस बार मैं लड़कियों को देने के लिए गिफ्ट वगैरह सब मैंने इधर से ही लिए, थोड़ी ज्वेलरी में लिए, थोड़े बर्तन में लिए, क्योंकि मैं हर साल देती हूँ ना, पहली बार नहीं दे रही हूँ, मैं हर साल देती हूँ। वीडियो तो पहले ब्लॉग तो अभी बनाने लगी हूँ, लेकिन मैं बहुत सालों से दे रही हूँ, इसलिए मुझे ये दुकान मेरे को किसी ने बताई थी तो अच्छी है, मतलब इसके इस दुकान में अपने को चाहिए वो वैरायटी के बर्तन मिलते हैं। ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, है छोटी, लेकिन इस पर बर्तनों की वैरायटी इतनी है ना कि आप हैरान हो जाओगे, जो चाहिए वो देते हैं निकाल के, और वो भी होलसेल में मिलते हैं। कौन सा ले रही है? हम लोग देख रहे थे थाली कौन सी ले कौन सी नहीं, तो मेरी फ्रेंड ने और मैंने एक पसंद की थी, वही हम लोग लेके आए अभी जब। और ये तेल डालने के लिए मैंने बॉटल ली, अच्छी मिली ये मुझे बॉटल भी। और ये मैंने थाली ली है, लेकिन जब मैं लड़कियों को खाना खिलाऊंगी ना, तभी आप अच्छा लग रहा है ना, ये क्या लिया है उनके लिए, आपको तो ज़रूर दिखाऊंगी मैं। हमने सब ले लिया था, और बस के लिए पूरा आधा घंटा खड़े रहे, और फिर बस आई, बस में भी 1.5 घंटा लगा, और इतना ट्रैफिक था ना,
पता नहीं सब लोग उसी दिन शॉपिंग के लिए निकले क्या, इतना ट्रैफिक था। घर पे आते आते सर घूमने लगा, फिर आके थोड़ा सा आराम किया और जिया के साथ थोड़ा खेली, अच्छा लगा, फ्रेश हो गई। और फिर शाम को मेरे को आते आते वैसे ही शाम ही हो गई थी, फिर मेरी बेटी लक्ष्मी का बर्थडे था तो हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि केक कोई खाता नहीं है ज़्यादा तो इसलिए छोटा सा ही मंगवाया। सब लोग हंस रहे थे कि छोटा केक है छोटा केक है, लेकिन सबको चार दस चार को आ गया था। ये बच्चे पता नहीं कौन सी फोटो निकाल रहे थे, लाइट बंद करके चालू करके लाइट जा रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यहाँ घर पे केक सब जिया ने इधर उधर डाल दिया था, पूरा साफ किया, क्योंकि यहाँ ही हम लोग बिस्तरे डालेंगे ना सोने इसको के, बोल दे पसंद के करना पड़ेगा। और अर्चना चली गई थी, फिर उसके बाद हम लोग सब थोड़ी देर और एंजॉय किया। और फिर खाना क्या खाया, बाहर से कुछ मंगवाया था और मैं उधर भुलेश्वर से पापड़ लाई थी वो खाया। और ये मेरी बेटी अपनी मासी से बात कर रही है, उसका वीडियो कॉल आ रहा है तो उससे बात कर रही है। और मेरी जिया के हिस्से ये चाकू आया, वो उसको चाट रही है, पूरा मुंह ख़राब कर लिया है। और गाना लगाया है तो डांस किए बिना तो रहेगी नहीं है, देखो ये इसका यही चल रहा है, सब नीचे डाल रही है और खा रही है और मैं साफ़ कर रही हूँ। बाय बाय दोस्तों।